सीताचरण भाई हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। प्रवेश जी हैं जो काफी ऊर्जा दिखा रहे हैं। अभी 4 तारीख में आया था, आज कितना तारीख हो गई? 4, 5, 6, 2 दिन के बाद क्या अभी आ गया? तो 2 दिन में ऊर्जा निकाल आखिरी वही ऊर्जा। तो निश्चित रूप से आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मनमोहन भैया भी सभी का स्वागत करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागपुर के लिए 15 साल एक तरफ, 5 साल एक तरफ, कार्यकाल तो 5 साल हो गया, भले हम 2 साल काम किए, लेकिन गिनिए कितना, 5 साल। मैंने बड़ा चिंतन का विषय है, सोचने वाला बात है। मेरा घर तो पीछे है ना, अगले का घर तो यहीं पड़ता, किसको ज्यादा काम करना चाहिए यहाँ वाले पर। लेकिन जल जीवन मिशन 24 करोड़ का काम किसको करना पड़ा है? मुझे, ठीक है। फिर चौकी किसको बनाना पड़ा? मुझे। काले किसको बनाना पड़ा? मुझे। फिर यहाँ पर आपका धान खरीदी केंद्र किसको कराना पड़ा? मुझे। फिर यहाँ पर उत्तर किसको कराना पड़ा? मुझे। फिर यहाँ पर ये पिछले बार हमारा बजट से कट गया, बजट से कटने के बाद जब हमारा विनियोग चर्चा हमारा मुख्यमंत्री जी सदन में जब करते हैं, उस समय मैंने मान लिया और सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए, सदन के बाद विनियोग में बजट में शामिल हुआ, और सारे हमारे 37 स्टाफ का बेटा समय स्वीकृति मिल गई है। इसीलिए कहते हैं भूपेश है तो इसलिए और माननीय डॉक्टर शरद पर महेश जी को धन्यवाद दूंगा कि अमृत धारा में उन्होंने मान जी में घोषणा किए थे, साथ ही मैंने मांगा था और ये आज आपका 6-6 बड़े काम। गांव का थोड़ा बिजली पानी रोड लाइट नहीं होगा तो अलग है, लेकिन आपके इस नागपुर के लिए बड़ी बड़ी कामें हो गई है, तो उसके लिए आप सबका सहयोग समर्थन। जब से हमारे सीएमओ साहब तिवारी जी बने हुए हैं तो स्वास्थ्य विभाग में निश्चित रूप से बदलाव आया है, नहीं तो 15 साल कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ क्या उठा नहीं, नागपुर में बहुत है, मैडम 100-110 है। व्यवस्था में बदलाव आया है, मनेन्द्रगढ़ में व्यवस्था में बदलाव आया है, आपके खेलहारी में हमने 2 करोड़ का भवन बना दिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, आपका जनकपुर का पूरे प्रदेश में इनके मार्गदर्शन में भैया, इनके मार्गदर्शन में तिवारी जी के पूरे प्रदेश में नायक क्लब का जनकपुर प्रथम आया है, ये इतना ही नहीं, जनकपुर में वहाँ के लोग डिलीवरी ऑपरेशन कराने के लिए सहडोल जाते हैं, लेकिन इनके कुशल प्रबंधन में, इनके प्रशासनिक कसावट के कारण आज 200 डिलीवरी ऑपरेशन जनकपुर अस्पताल में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हमारा मेन जो लीडर मजबूत होता है, जब हमारा प्रशासनिक है जो मुखिया अच्छे होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो अंतिम क्रियान्वयन तक ले जाते हैं, और उसका आज सफलता देख लीजिए, आज नागपुर को मिला है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने बेहतर किया है। बेहतर कैसे किया है? इलाज में बेहतर हुआ है। आज आप अपना कार्ड बनवाइए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लेके आए हैं, गरीबी रेखा के राशन कार्ड में 5 लाख, अमीरी रेखा वाला है तो 50 लाख, ये 50,000, और भगवान न करे कोई बड़ा बीमारी है, मुख्यमंत्री विशेष सहायता से जो 6 लाख से लेकर 20 लाख का था, उसको जुलाई में 25 लाख करा दिया गया है कांग्रेस। इसलिए योजनाओं को आपको जानना है, जब योजनाओं को जाने के बाद आपको लाभ लेंगे, क्योंकि आज सवेरे से शाम तक और जितना मैं दौरा करता हूँ, कोई सड़क फूल फुलिया नहीं मांगते हैं, सुबह से निकलता हूँ सब अवेदन से कोई लाख जाते हैं, जनकपुर जाता हूँ तो सोनोग्राफी एक्सरे सब लेकर मेरे पास जाते हैं, उनको तो मैं मजाक नहीं करता हूँ, भैया मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, कैसे रिपोर्ट लिखूंगा, भैया नहीं थोड़ा दवाई वाई पैसा चाहिए, दवाई का पैसा चाहिए, जबकि व्यवस्था सरकार ने 3 प्रकार का पैकेज का व्यवस्था किया है। इसके बाद भी मैं चाहता हूँ आप सबसे की योजनाओं का लाभ लीजिए, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, साहू जी को हमारा बधाई, और प्रवेश जी को, नगीना जी को, सरपंच जी को, आरती जी को, रोहित चाचा जी को, जगदीश चाचा जी को, भाई लेखन जी का, सभी को बधाई कि आज स्वास्थ्य के हमले में भी हमने 2 दिन में आपका मांग पूरा किया, 2 दिन में मांग पूरा किया। कल दिवाली के परसों में फोन किया थे हमारा, तेरे फोन कैसे इतना जल्दी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा हो ऐसा, ऑर्डर अभी आया नहीं, बिना ऑर्डर जमा करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, मैं कहा ऑर्डर से चिंता मत करो, उसके लिए हमारा फोन और मेरा मुख्यमंत्री और मेरा स्वास्थ्य मंत्री डी एस बाबा साहब, उसके लिए रिप्रेजेंट आज गुप्ता के लिए
पूरा एक दिन में पूरा सेटअप की स्वीकृति भी करा दिया। आदेश आगे जब जो आदेश हुआ था किया, बोले हाँ आप ठीक है, आप करूंगा। बोले तो बोलिए आप ठीक है, मैं करूंगा, बिना आदेश के करूंगा। वो भी आचार संहिता लगने वाला है, वही हमारी नौकरी, इसलिए ये भी सुरक्षित है, क्योंकि हम पढ़े लिखे विधायक है। जब तक मेरे पास कोई पेपर नहीं आता तब तक उसका समाचार प्रकाशित नहीं कराता। तब भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तब भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता, बोलता विकास नहीं हो रहा है। अगर जिसको दिखाई ना दे उसको आप अस्पताल दिखा देना, उसको आप तहसील दिखा देना, उसको धान खरीदी केंद्र दिखा देना, उसको चौकी दिखा देना, उसको कॉलेज दिखा देना, जिला का कलेक्टर आप दिखा देना, गांव का देवगुड़ी दिखा देना, ESP कार्यालय दिखा देना। अभी 220 स्तरीय अस्पताल आपके बहुत हमारा मुख्यालय में बनने जा रही है। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद बना रहे हैं। ऐसे ही कल उदाहरण हमने और प्रस्तुत किया, जनकपुर ग्राम पंचायत को हमने प्रथम प्रकाशन हुआ, अंतिम प्रकाशन हुआ, नगर पंचायत हो गया, और काले एक ही दिन में CMO की पोस्टिंग करा दिया, एक ही दिन में। कल जाकर जनकपुर नगर पंचायत गांव से हम लोग शहर बनने जा रहे हैं, उसकी भी कल से बात करेंगे। कल नहीं तो परसों, कल ही हमको जाके जल जीवन मिशन हम लोग लाइव लेकिन भूमि पूजन किए 24 करोड़ का। अब कल जाके आपको अछावर से घुटरा क्षेत्र के लिए आपको भूमि पूजन करना है 24 करोड़ का। ये हमारा सरकार है, हमारा सरकार ये नहीं है कागज ले लो, छाता ले लो, रेडियो ले लो, जूता ले लो, मोबाइल। हमारा सरकार धरातल में काम करता है। जैसे कि आम जन को क्या आवश्यकता है, वहाँ के लोगों को रहने वाले को जरूरत क्या है, इस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल।